हाय एवरीवन, आइए देखते हैं आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके। ठीक है, इससे पहले हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यदि बहुलक माइनस माध्यक बराबर 12 है तो माध्यक माइनस माध्यक का मान निकाले। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है ये भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला क्या था याद कीजिए। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कोई ऐसा नहीं कि फॉर्मूला हार्ड है। बहुलक बराबर हम लोग कहते थे 3 × माध्यक, या इसी को माध्यिका भी बोल सकते हैं, माइनस 2 × माध्य। माध्यिका और माध्यक में कोई अंतर नहीं। देखिए, इसी माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। यहाँ पे इस तरह लगा दोगे हर्षिका तो माध्यिका हो जाएगा, और आकर लगा दोगे। ठीक है, तो बात एक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे आपको खुद से जनरेट करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, जैसे मैं आपको बोलूँ 3x है, तो इसे आप 2x प्लस x लिख सकते हो क्या? देखिए, जोड़ोगे तो वापस 3x मिल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ, ये तो इजी स्टेप है, ये तो हर एक बंदा जानता है कि ये इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, क्या अप्लाई करना है? तो यहाँ पे देखने वाली बात है, हम लिख सकते हैं, ये आपको फौरन करना है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए लेट लग रहा है। बहुलक इक्वल टू, ये हम 2 माध्यक प्लस 1 माध्यक यानी सिर्फ माध्यक लिखते हैं। ठीक है, माध्यक माइनस 2 माध्य, तो इस तरह हम ऐड करेंगे तो वापस में 3 माध्यक मिल ही जाएगा। ठीक है, ये इंटू दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वापस जोड़ेंगे तो 2 माध्यक आपको वापस क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। ठीक, तो इस माध्यक को इस साइड शिफ्ट करो, ये तो ये प्लस में, तो इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो आइए इसे हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। ठीक, चलिए, तो इस साइड ये शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक में ये घट जाएगा, यानी बहुलक माइनस माध्यक, ठीक है, बराबर 2 माध्यक माइनस 2 माध्य होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ देखा जाए, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन यहाँ पे आप बाहर ले सकते हो। ठीक है, इस तरह ब्रैकेट में दिखा सकते हो, ब्रैकेट में यहाँ दिखाना जरूरी है, ब्रैकेट में दिखाओगे तभी तो आप पता चलेगा कि आपने कॉमन लिया है। ठीक है, ये आपने कॉमन लिया। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पे पुट कर दो। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था बहुलक माइनस माध्य बराबर 12 दिया हुआ था, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था 12, बहुलक माइनस माध्यक का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12, 12। तो यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान क्या होता है, यहाँ पे 12 इक्वल टू 2 × माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, ठीक है, माध्य, ओके। तो अब यहाँ पे माध्यक माइनस माध्य यही तो आपको निकालना था, तो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये इंटू में, तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि आप फाइनल कह सकते हो माध्यक माइनस माध्य इक्वल टू 12, और इस 2 को हम इस साइड लेते आएंगे, ये देखिए इंटू में, तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 6 × 12, यानी कि हम कह सकते हैं 6 इज करेक्ट आंसर। ओके, 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। ये आपको मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड, बहुत ज़्यादा 30 सेकंड लगेगा। ये सब फॉर्मूला आपको खुद से बहुत ही स्पीड करना है, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से उस हिसाब से आपको करना है धीरे धीरे, नहीं, एकदम स्पीड करना है। ठीक है, वो कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, सो थैंक यू।